अपनी कुछ कहानी आपसे शेयर करूं तो आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हम सब एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ मिल रहे हैं। और माई सेल्फ अरुण कुमार, और आज के डेट में मोदी केयर इंडिया से ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। मोदी केयर ने क्या कुछ दिया इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। यदि मैं मोदी केयर की खिस्सा कहानी सुनाना शुरू करूं तो ये कई महीने लग जाएंगे, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूं इस मोदी केयर के बदौलत हूं। और इस मोदी केयर ने इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया कि बताना पड़ा मुश्किल है। लेकिन पहले, उससे पहले मैं मोदी केयर से पहले क्या था और कहां से आया वो कुछ बताना चाहूंगा कि मेरा नाम अरुण कुमार, प्रोफेशन से एग्रीकल्चर इंजीनियर, लेकिन एक किसान घर में पैदा हुआ। और नालंदा जिला में एक छोटा सा गांव है नीरपुर, वहीं का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी किसान, चार भाई दो बहन में हम तीसरे पावदान पर थे। तो गांव में ऐसा माहौल था कि हमने 10वीं क्लास तक शहर नहीं देखा था। कैसा शहर होता है, कैसा सिनेमा हॉल होता है, ये हमारे जिंदगी का पहला फैक्ट है। बहुत सारे लोग ऐसा बिलीव नहीं करते, लेकिन उस जमाने में यही था। और वहीं से मैं चलकर आया हूँ। तो वहां से आने के बाद जब बोर्ड पास किया मैंने 1984 में, तो हमारे परिवार के लोगों को लगा कि शायद पढ़ने में कुछ अच्छा है तो अच्छा करेगा। और एक किसान का मनोबल बढ़ा कि बेटा फर्स्ट डिवीजन से पास किया है तो इसे शहर भेजा जाए। लेकिन हमारी बदकिस्मती थी कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था। पहले तो बचपन में मैं फुटबॉलर बनना चाहता था, और आज भी मेरी ख्वाहिश इतनी बड़ी है कि जहां भी फुटबॉल मैं देखता हूँ आज भी दिली इच्छा हो जाती है कि मैं फुटबॉल खेलूं। और वाकई मैं इतना अच्छा खेलता था कि आज फक्र होता है कि मैं शहर में किसी परिवार में पैदा हुआ होता और कोई कोच गाइड मिला हुआ होता तो मैं उसमें भी इंडिया को प्रेजेंट करता, इतना टैलेंट हमारे अंदर था। यानी सीजन में हमने कितने शील्ड मैच गांव के लिए जीते, स्कूल के लिए जीते, पूरे 10 किलोमीटर के रेडियस में सब लोग हमें फुटबॉल के नाम से जानते थे। लेकिन जब पढ़ाई खत्म हुई बोर्ड की, इंटर में अच्छा नंबर आया तो डॉक्टर बनने की ख्वाहिश बनी कि किसान का बेटा हूं डॉक्टर बनूंगा। लेकिन हमारी एडमिशन बिहार शरीफ के किसी कॉलेज में नहीं हुई, तो कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि इसे एग्रीकल्चर इंजीनियर बनाया जाए। तो हमारा एडमिशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर डिप्लोमा में हुआ, और वहीं से मैंने डिग्री भी हासिल किया। तो जो चीजें हमने बाहर जाकर किया, आज भी मैं सोचता हूं कि जब वहां गया तो पहली पहली बार जब मैं गया यूपी में पढ़ने के लिए, तो वहां भी बहुत क्रश किया गया, क्योंकि वहां भी एक मोनोपोली चलता था यूपी के स्टूडेंट का। और मैं बिहार से एक ऐसा लड़का जो गांव से पहली बार निकला हो और शहर गया हो, तो बड़ा अजीब फीलिंग था हमारे अंदर भी कि मैं लोगों से क्या बात करूं, क्या बोलूं, कैसे रहूं। जस्ट लाइक वो फिल्म के तरह था कि हाजीपुर से ट्रेन मैंने पकड़ा था, जयंती जनता एक्सप्रेस उस जमाने में चलती थी, पता नहीं यहाँ चलती है या नहीं चलती, आई डोंट नो। और उस ट्रेन के दरवाजे पर बैठकर मैं एक टीना का बक्सा लेकर गया था देवरिया। और देवरिया जाने के बावजूद भी एक बड़ा ट्रेजेडी हुआ कि वहां 2 BRD कॉलेज था, तो हमें दूसरे कॉलेज में पहुंचा दिया जो शहर के विपरीत दिशा में था। अब मैं नया नया लड़का गांव का, कभी रिक्शा भी नहीं चढ़ा था, कभी बाहर निकला भी नहीं था, तो बड़ा अजीब लगा। लेकिन एक बेतिया के स्टूडेंट, सीनियर स्टूडेंट थे, उन्होंने बड़ा हेल्प किया और उन्होंने पूछा आप कहाँ से आए हो, तो मैंने बोला बिहार से आया हूँ। उन्होंने बिठाया, और रिक्शे वाले को, वो बहुत ज्यादा पैसा मांग रहा था, कम पैसा में काम उन्होंने चलाया। और फिर हम लोग वहाँ एक बिहारी लॉज था उसमें स्टे किया हमने। 4-5 दिन मैं बहुत रोया, और 10 दिन बाद फिर मैं वापस चला आया। माँ को भी बहुत रोना आया, माँ ने भी कहा कि किसान बाल इसको कहाँ बाहर भेज दिया है, जो होगा हम लोग कमाई गांव में रहेंगे। लेकिन हमारे बड़े भाई साहब थोड़ा अड़ियल मूड के थे, उन्होंने फिर हमें पकड़ा और बस में बिठाया, बस से लेकर हाजीपुर आए, और वो खुद छोड़ने के लिए वहां गए और लोगों को कहा कि इसे यहाँ से वापस नहीं भेजना है। लेकिन मैं कम से कम 3 महीने तक रोता रहा, जो बच्चा गांव से कभी बाहर नहीं गया था। और जब वहां गया तो पढ़ने में लगता था,
बार बार भाग के चला आता था, लेकिन फिर लगा कि चलो कुछ पढ़ना होगा, करना होगा। जब पढ़ाई फिर किया, पढ़ाई में अच्छा हुआ, तो पढ़ते पढ़ते मैं जब इंजीनियरिंग करके लौटा, उस समय यहाँ हमारी सरकार जो थी बिहार की, लालू जी की सरकार थी, उन्होंने कहा हमारे पास बीडीओ सीओ की नौकरी नहीं है, यदि VNW की नौकरी करनी है तो आप ज्वाइन कर लो। तो बचपन से हमारे अंदर एक जो ईगो था किसी भी चीज का, और मेरे जीवन में सबसे बड़ी चीज है कि मैं अपने प्रतिष्ठा से कभी समझौता नहीं करता हूं। इसलिए बहुत सारे लोग आज मोदी केयर में भी हमें बोलते हैं कि गांधीगिरी आप करते हैं, कुछ भी भला बुरा लोगों ने किया, मोदी केयर में भी मेरे साथ बहुत भला बुरा हुआ, लेकिन मैंने कभी कोई एक बार कंप्लेन किया, दोबारा कोई कंप्लेन नहीं किया, ऊपर वाला सर देखता यही सोचकर छोड़ दिया। जब वहां से आए, इंटर पढ़ने के बाद ही हमारी शादी कर दी गई, चूंकि हमारे गांव में उस जमाने में नालंदा जिला में नेक्स्ट लाइट का बहुत प्रकोप था, तो हमारे जितने भी फ्रेंड सर्किल के लोग थे उनका 7वां क्लास 8वां क्लास 9वां क्लास जाते जाते सारे लोगों की शादी हो गई थी, क्योंकि लोग स्कूल से पकड़कर ले जाके बच्चों को शादी कर देते थे और उसे घर पहुंचा देते थे। हमारे पिताजी भी डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने 10 जून 1987 को मेरी शादी कर दिया। लेकिन शादी में एक कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कर दिया, किसान परिवार से थे, शहर में हमारी शादी हुई, तो पिताजी ने एक कॉन्ट्रैक्ट करार किया कि देखिए मैं किसान आदमी हूँ, बच्चे को मैं आगे का दिशा नहीं दे सकता हूँ, हमारे और भी 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, तो आप यदि इसे पढ़ाने का जिम्मेदारी ले लें तो मैं शादी फ्री में कर दूंगा। मेरी शादी तक जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, शादी के बाद जिंदगी बहुत बुरी हुई, क्योंकि पिताजी ने खर्चा देना बंद कर दिया, बाहर से मैं खर्चा मांग नहीं सकता था। पटना में 6 साल हमने रो रो कर जिंदगी काटी थी, और पटना में कंकड़ बाग से अगम कुआं जाना हो, सचिवालय जाना हो, मेरे पास साइकिल भी नहीं था, और मैं प्रतियोगिता दर्पण वगैरह भाड़े पर लाता था 2 रुपया में, और वो पढ़ता था, और जब पटना से घर जाना होता था तो वाइफ को बोलते थे कि 20 रुपया अपने फादर से मांग कर देना, हमें घर जाना है, ये मेरी जिंदगी का फैक्ट है। इसी बीच शादी हो गई थी तो एक बेटी भी हो गई, लेकिन हम दोनों बेरोजगार थे। इसी बीच कुछ लोगों ने कहा LIC कर लो, तो LIC में भी एक कोड दिला दिया 1729 नाम से, वाइफ के नाम से, और उसमें भी मैं 10 साल काम करके क्लब मेंबर बन गया, लेकिन उस मान सम्मान के लायक पैसा नहीं था, या उस लायक जीवन नहीं था। लोगों का पॉलिसी करो, प्रीमियम जमा कराओ, फिर उनका रिन्यूअल जमा कराओ, प्री मैच्योरिटी के लिए काम करो, तो ऑफिस में भी वैसा सपोर्ट नहीं था। इसी बीच मेरी ख्वाहिश कुछ बढ़ने लगी शहर में आकर, और ख्वाहिश ऐसी बढ़ने लगी, लगा कि नहीं शहर में जब सारे लोग बाइक से चलते हैं, साइकिल से चलते हैं, कार से चलते हैं, तो हमारे पास भी कुछ होना चाहिए। और हमारा परिश्रम देखकर हमारे ससुराल वालों ने एक साइकिल खरीदा, वो साइकिल एक साइकिल 18 इंच की साइकिल थी, जिसमें हम लोग 5 लोग थे, एक मैं था और 4 मेरा साला लोग। अब एक यदि कोई साइकिल लेकर जाता था तो 4 वेट एंड वॉच में होता था, और 3 सोनपुर मेला, तो हमने 3 साल सोनपुर मेला उसी साइकिल से मेला देखने के लिए गए थे। आज बड़ा अजीब लगता है कि जीवन में ये सब चीज हुआ कैसे, लेकिन ये 100% फैक्ट है। जब साइकिल आई तो साइकिल से सफर चलने लगा, साइकिल के बाद फिर हमने एक सेकेंड हैंड स्कूटर लिया, वो भी बहुत तवज्जो करके। इसी बीच हमारे पास शेयर मार्केट का काम आया, शेयर मार्केट में भी मैं सब ब्रोकर था पटना ब्रांच में, और सोनाली इन्वेस्टमेंट बेटी के नाम से एक ऑफिस खोला, लेकिन इनकम वैसा नहीं था। शेयर में कुछ इनकम होने लगा, लेकिन जैसे ही कुछ इनकम होने लगा, जो LIC में भी पैसा कमाया था, हर्षद मेहता कांड में फिर हम जमीन पे आ गए, नहीं माइनस में चले गए। बेटी भी पढ़ाना है, बेटी भी बड़ी हो रही थी, तो मेरी वाइफ ने पहला स्कूल ज्वाइन किया पटना कंकड़ बाग, यदि आप लोग जानते हैं तो शालीमार के पीछे 3 कोनिया में एक स्कूल था। वो टीचर आज भी ईशान इंटरनेशनल स्कूल में इंग्लिश की शिक्षिका हैं, और उन्होंने मेरी वाइफ को नौकरी दिया 150 रुपये की नौकरी, बेटी फ्री पढ़ेगी और वाइफ को 150 रुपया ऊपर से मिलेगा, और मैं वही LIC और शेयर मार्केट में झूल रहा था। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, और वाइफ को भी लोग बोलते थे कि इसकी शादी होकर इसका जिंदगी बर्बाद हो गया। पता नहीं लड़के को नौकरी लगा नहीं, माँ बाप ने शादी कर दिया। और मैं जब गांव से आया था तो पटना में भी मेरा जिंदगी 3 साल तक बहुत अनकंफर्टेबल था। आपके बेगूसराय में भी जो भाषा है, जो लोकल भाषा है, वो पटना का भाषा नहीं है।
तो जब मैं गांव से पहली बार ससुराल आया तो हमने आज के जमाने में जिसको हम शर्ट बोलते हैं, हमने अपने छोटे साला को बोला ये बुशर्ट को थोड़ा टांग दीजिएगा, तो अंदर जाकर सब लोग हंस रहे थे कि इसे तो बोलना भी नहीं आता है। और दूसरी गलती हुई कि मेरे पॉकेट में, आज के जमाना का पॉकेट है लेकिन उस जमाने के लिए मेरे गांव का धोकड़ी था, तो मैंने कहा मेरे धोकड़ी में एक कलम होगा लाकर देना, तो अंदर में बहुत लोग हंसने लगे और वाइफ ने प्रतिबंध लगा दिया कि बाहर से कोई भी लोग आए तो आपको मिलना नहीं है, क्योंकि कॉलेज में बहुत बेइज्जती होती है और लोग बोलता है कि तेरे बाप कहाँ से एक बंदर पकड़ के ले आया, क्या शहर में तेरे लाइफ कोई लड़का नहीं था। तो बहुत ग्लानी फील होती थी और आंख से आंसू भी निकलता था। इसी बीच मोदी केयर के हमारे एक रिश्तेदार कानपुर से आए, उन्होंने कहा कि अरुण जी आप इतना परिश्रम करते हो, परिश्रमी आदमी हो, आप मोदी केयर करो जिंदगी बदल जाएगी। जैसा सब लोग कहते हैं हमने भी वही बात बोला था उस दिन उनको, आपकी जिंदगी बदली है क्या? तो वो कुछ नहीं बोले, चले गए। कानपुर से आए थे, कानपुर चले गए। फिर अगले महीने फिर होटल मौर्या में मीटिंग था, फिर वो आए और फिर वो आकर वही एक अटैची लेकर आते थे हमारे घर पे, आए रिश्तेदार थे, तो बोले अरुण जी मैं आपको कहता हूँ आप ज्वाइन करो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो मैं फिर अगेन उनको बोलता था आपकी जिंदगी पिछले महीने से कितना बदली है। बेचारे कुछ नहीं बोलते थे। सारा महीना जब वो मेरे पास आए तो उनके साथ एक और व्यक्ति आए जो उनके फादर इन लॉ थे और वो उस जमाने में पटना में एजुकेशन SDO थे। जब वो दोनों मिलकर हमारे घर आए तो मैं बहुत शर्मिंदा फील किया अपने आप को और अपने अपलाइन का हाथ पकड़ा और उनको दरवाजे से बाहर लेकर गया और हमने कहा कि तेरे मोदी घर में कितना पैसा लगता है, हद कर दिया तूने, तू काफी था बेइज्जत करने के लिए, अब अपने ससुर को लेकर आए हो। लेकिन आज मैं दिल से बोलता हूँ, सवेरे उठकर मैं गॉड का नाम नहीं लेता हूँ, आज तक पूजा नहीं किया, बचपन से किसान का बेटा हूँ, सुबह हर और पालो लेकर खेत जाता था, शाम में घास काटकर घर लाता था, यही मेरी जिंदगी थी। इसलिए कभी भगवान को जाना नहीं, माँ बाप को जाना और इस मोदी केयर में अपने अपलाइन उस गॉड को जाना, यदि वो नहीं होता तो मेरी जिंदगी आज भी वही होती जो कट रही थी। तो हमारे लिए वो इंसान गॉड था। मैंने उनको पैसा दिया और एक शब्द उनको कहा कि आप आइंदा आप हमारे घर कभी नहीं आएंगे, आपने हद कर दिया, ऐसा तो कोई दुश्मन भी नहीं करता है जो आपने किया है। तो उन्होंने कहा कि अरुण जी आप करके देखो, लेकिन हमने हाथ जोड़ा कि आज के बाद आप दोबारा नहीं आएंगे। वो चले गए, नहीं आए दोबारा। मैंने मोदी केयर का बक्सा अपने रूम के ऊपर छज्जी पर रख दिया और हमने कहा ये बेवकूफ बनाने का बिजनेस है। मैं LIC में सक्रिय था, LIC का एक पॉलिसी मैंने किया था जीवन सुरभि, तो एक आदमी का 4 साल में वो मनी बैग था और उनकी बेटी का शादी था। शायद जिंदगी में हर चीज स्क्रिप्टेड है, वक्त आने पर चीजें होती है। तो वो हमारे घर आए, बोले अरुण जी टाइम से यदि पैसा मिल जाता तो बेटी के शादी में काम आ जाता। मैं भी उनका बॉन्ड लेकर पटना ब्रांच 3 गया, अपने DO को भी बोला, क्लर्क को भी बोला कि सर ये हमारे एक अच्छे पॉलिसी होल्डर हैं और इनका टाइम से पैसा मिल जाएगा तो इनको काम आ जाएगा और शायद 2-4 पॉलिसी इनके तहत हमें मिल जाएगा। तो कहा ठीक है जाओ हो जाएगा। एक सप्ताह बाद गया तो वो फाइल वही पड़ा हुआ था। मैं फिर रिक्वेस्ट किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर एक सप्ताह बाद जब गया तो फिर भी वो IGT पड़ा हुआ था, तो हमें बहुत गुस्सा आया और मैंने कहा कि वो बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया, अपशब्द भी हो गया जो मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, और मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया कि एक ऐसा काम जो जिंदगी में पैसा तो देता है लेकिन सम्मान नहीं देता है, शायद ये काम मेरे लिए नहीं है और एक किसान का बेटा सम्मान के लिए शहर में आया था और सम्मान नहीं मिलेगा तो ऐसा करके क्या फायदा है। मैं घर में आया, बूझे मन से आया, भाई बोली क्या बात है, किसी से झगड़ा हुआ क्या? मैंने कहा कुछ नहीं। बोली तबीयत खराब है क्या? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। मैंने खाना भी रात का नहीं खाया। सब लोग जब सो गया तो मेरे दिमाग में वो बात चल रही थी कि आदमी कानपुर से 7 महीना आया और बोलता है कि आप इस बिजनेस को करो जिंदगी बदल जाएगी, तो आज देखता हूँ इस बक्से में है क्या। तो वो बक्सा निकाला, बक्से में एक बिजनेस मैनुअल था ब्लैक कलर का। मैं उसको पढ़ना शुरू किया, कब सुबह हो गया हमें पता नहीं चला। और एक कॉन्टेक्ट मैगजीन था जिसमें लिखा हुआ था डॉक्टर सुरेखा भार्गव का पहला महीना का चेक 167 रुपया और प्रेजेंट टाइम 1,29,000 था। ये मेरे जिंदगी का 2 अपलाइन भी है और मेरे लिए लाइफ चेंजिंग फार्मूला है, क्योंकि इस मोदी केयर में मैंने दोबारा अपलाइन को देखा नहीं।
मैंने उस कनेक्ट मैगजीन को उठाया, पूरा पढ़ गया और बिजनेस मैनुअल को जब पढ़ा तो सुबह होते होते हमने इतने सपने लिख डाले कि मैं एक किसान का बेटा, मेरा सबसे पहला सपना था पिताजी के लिए एक ट्रैक्टर खरीदूंगा, हर दो साल में बैल खरीदना पड़ता है। जहां से मैं आया था मेरा सपना भी वहीं से जुड़ा हुआ था, मैं कोई शहर का आदमी तो था नहीं, और लगा कमाल का बिजनेस है, इसे किया जा सकता है। मैं सवेरे उठा, स्नान ध्यान किया और एक हमारे ही चांदमारी रोड में एक लड़का था अमर नाम का, मैं उसके पास गया। उसने कहा बहुत बढ़िया बिजनेस है, चलिए हम भी आपके साथ ज्वाइन करते हैं। लगा बढ़िया, ये ज्वाइन कर गया तो बिजनेस काम करेगा। और ऐसे ही जब मैं भागने लगा, लोगों के पास जाने लगा, हमने 22 लोगों की ज्वाइनिंग करा दी 1950 रुपया में, और 1448 रुपया का चेक आया। जब 1448 का चेक आया, ये हमारे लाइफ का दूसरा टर्निंग पॉइंट है। हमने LIC में 144 लगा दिया, नौकरी के नाम पर सारा चीज बंद कर दिया और मगध स्टॉक एक्सचेंज का शेयर का काम बंद कर दिया। मेरी वाइफ बोली कि ये पागल हो गया आदमी, ये 1448 रुपया में क्या दिख गया और ये सर्फ शैंपू साबुन बेचकर क्या मिलेगा। क्योंकि हमारे फादर इन लॉ वेलफेयर सेक्रेटरी थे, उनका एक स्टेटस था, तो ससुराल के लोग भी नाराज हो गए। लोगों ने कहा, लेकिन मेरा पता नहीं क्या विजन क्लियर हुआ। मैंने कहा जीवन में करूंगा तो मोदी कर, नहीं तो कुछ नहीं करूंगा। इतना विरोध हुआ कि हमारी शादी भी टूटने के कगार पर हो गई। लेकिन मैंने कहा मेरे जीवन में दो ही चीज है, मैं आपके साथ तभी रह सकता हूं जब मोदी केयर मेरे जीवन में रहेगा, अदरवाइज रास्ते अलग अलग है। और फिर मैंने मोदी केयर में चलना शुरू किया और चलते चलते आज 22 साल हो गए इस मोदी केयर में। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए मोदी केयर से, दर्जनों विदेश यात्रा किया, 250 से 300 लोग हमारे टीम से भी घूम कर आए, कई गाड़ियां अचीव किया। कुछ मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मंजेश सर, आप स्क्रीन शेयर का परमिशन देंगे? बिल्कुल सर। यहाँ से मैंने मोदी केयर का शुरू किया और हमारे जर्नी में कितने सारे रास्ते आए, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, थोड़ा सा आपको प्रूफ दिखाना चाहूंगा। आज ये जो जिंदगी लगती है, ये 20 साल पहले जिंदगी नहीं थी। ये जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारे चैलेंजेज आए। हमारा गाँव है, आप में से कोई भी व्यक्ति जाकर देख सकते हैं, हमारा स्कूल है जहाँ हम फुटबॉल खेला करते थे। इस स्कूल का नाम है नव नालंदा उच्च विद्यालय नीरपुर। पहली क्लास से 10वीं क्लास तक हमने इसी स्कूल में शिक्षा हासिल किया और यही फुटबॉल खेला करते थे। और ये हमारा गांव का स्कूल है जहां से 10वीं क्लास। ये हमारा बैकग्राउंड, पिताजी एक किसान, पढ़े लिखे भी नहीं थे, वो देहात में जो व्यवसाय होता था, बैलगाड़ी चलाना, सामियाना, टेंट का काम करना, लाइट पेट्रोमिक्स वगैरह रखते थे। तो उसी हिसाब से हमारी जिंदगी भी चलती थी। सवेरे उठकर पिताजी के साथ खेतों में जाना, बैल ले जाना, हल ले जाना, पालो ले जाना, वही काम रहता था। स्कूल से जब आते थे तो धान की खेती में वो पिताजी मजदूर के साथ धान का बोझा बांध कर रखते थे और शाम में हम भाई बहन सब यही काम करते थे। क्योंकि शहर तो कभी गए नहीं थे, यहीं से जिंदगी चलती थी। और एक मन माइंड सेट था कि 16 बीघा खेत है, हम 4 भाई हैं, तो यहाँ से भी हम लोग जिंदगी चला सकते हैं। और सब लोग गाँव में रहते थे तो ना कोई बताने वाला था कि सपना क्या होता है, जीवन क्या होता है। सिर्फ ये मालूम था धान के सीजन में धान होगा, गेहूं के सीजन में गेहूं होगा, और यही पैदावार करके हम जिंदगी को चला सकते हैं। तो खेती बाड़ी में काफी रुचि थी और हमारे घर में एक आटा चक्की का मिल था,
तेल निकालने का भी मिल था, तो इसे भी हम रात रात में चलाया करते थे। और जब स्कूल में जाते थे नींद आता था तो हमारे टीचर भी बोलते थे, क्या जी मिल मालिक क्या हाल है, रात में सोए नहीं क्या? तो ये सब जिंदगी हमने काटा है। शायद आप में से भी कोई होंगे जिनकी जिंदगी ऐसे चली होगी। बैलगाड़ी हमारा शौक बहुत था बचपन में, क्योंकि मेरे पिताजी के पास एक साइकिल भी नहीं था। हमारे पिताजी वो जानवर का गोबर खेतों में डालने के लिए या गांव से किसानों का अनाज सिलाव या बिहार शरीफ ले जाने के लिए एक बैलगाड़ी चलाते थे, जिससे कुछ पैसा आ जाता था। तो जब गांव में खेतों में ले जाना होता था बैलगाड़ी, तो हम जाते थे बैठकर, और काफी दोस्त मिल जाते थे इस कारण से कि चलिए हम भी चलते हैं। और हम लोग बैलगाड़ी में बहुत इंजॉय करते थे। आज भी मेरे घर में ये जो बैलगाड़ी का चक्का है आज भी रखा हुआ है, वो सब कुछ नहीं है लेकिन आज भी ये बैलगाड़ी का चक्का एज ए निशानी हमारे घर के लिए ये बहुत शुभ है, जो आज भी प्रेजेंट टाइम रखा हुआ है। 1987 में मेरी शादी हुई थी, और शादी के समय मैं इस तरह का लगता था, और पहला मेरे चेहरे का फोटो खिंचाया था जब बोर्ड का एग्जाम देना था, तो बिहार शरीफ में ज्योति छाया स्टूडियो था भराव पे, पहला फोटोग्राफ मेरे चेहरे का वहां खींचा गया था, और दूसरा फोटोग्राफ मेरा शादी में, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग का भी वो जमाना नहीं था, जहां एक ऐसे ही मैनुअली शादी हुई थी, ना कोई बैंड बाजा ना कुछ था, सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल तरीके से शादी हुई थी। और बारात ठहरी थी पटना के एक स्कूल में, जहां दरी बिछा हुआ था। और 4 साल के बाद हमारी एक छोटी बच्ची हुई थी, और घर में यही प्लास्टिक का कुर्सी था, लोहा वाला जो प्लास्टिक से बिना हुआ होता था, और इसी हम पति पत्नी दो सपना करते थे कि 500 रुपया में भी एक रूम लेकर हम लोग पटना में काम चला सकते हैं, और एक बच्ची है इसे पढ़ा लिखा कर हम एक अच्छा आदमी बनाएंगे। जो कष्ट मेरे जीवन में हुआ शायद हम इसे नहीं देना चाहते हैं। और इसका जन्म हुआ था 1990 में, और जो पहली साइकिल की बात हुई थी वो साइकिल यही थी, और ये साइकिल भी हमने ही खरीदा था, ये साइकिल हमारे फादर इन लॉ ने खरीदा था। और इस साइकिल पर ही मैं गांव में, तो किसान परिवार में तो था, साइकिल भी नहीं मिला था, लेकिन ससुराल में साइकिल से ही चला करते थे सब जगह। सोनपुर मेला भी देखने जाना हो तो इसी साइकिल से जाते थे और स्टैंड में खड़ा कर देते थे, और फिर मेला देखने के बाद चले आते थे। बहुत इच्छा होती थी कि हमारे पास एक गाड़ी हो, सेकेंड हैंड हो। जब आसपास के घरों में लोगों को देखते थे तो उनके गाड़ी पर जाकर बैठते थे, देखते थे एक्सीलेटर वगैरह चलाकर, तो अच्छा लगता था, लेकिन कोई ऐसा ख्वाब नहीं बन रहा था कि हम ले सकते थे। एक दिन हमारे घर के पास एक किताब का दुकान था, वहां शाम में हम बैठे हुए थे, तो एक सज्जन RMS कॉलोनी से आए, उनको शादी में गाड़ी मिली थी, पुरानी हो गई थी, तो वो बेचकर दूसरा लेना चाहते थे। तो मैंने पूछा कितने में बेचना है, तो उन्होंने कहा 15,000 में, और मेरे मुंह से निकल गया 10,000 में बेचना है तो बेचिए हम ले लेंगे, लेकिन हकीकत में मेरे पास 5,000 रुपया भी नहीं था। अब ये बात करते करते वो स्कूटर 10,500 में तय हो गया, लेकिन वो 10,500 रुपया मेरे पास नहीं था। 4 दिन बाद फिर मैं जब उस दुकान पर गया, दुकानदार ने पूछा क्या आपको स्कूटर लेना नहीं है, तो व्यवस्था करते करते 2,500 रुपया घट गया था। और हमने वाइफ को रात में बोला कि यदि तुम्हारे पापा दे देते हैं 2,500 रुपया, मांग कर दो किसी से, तो हम वो स्कूटर खरीद लेंगे। बहुत कष्ट होता है दिन भर जब पैदल चलते हैं, तो रात में शरीर काम नहीं करता है, और ऐसे कैसे जिंदगी चलेगा। तो सुबह वाइफ का भी जवाब मिला, मेरे पापा के पास 2,500 रुपया नहीं है। मैं 3 दिन रोया था, 4th दिन उस दुकान पर गया, दुकानदार जब मेरे आंख से आंसू गिरने लगा, तो दुकानदार ने अपने ड्रॉज से पैसा निकाला और हमें दिया। 9 बजे रात में ये स्कूटर लेकर आए थे, जो मोदी करके बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, और वो मेरे जिंदगी में जो पल आया था। आज तक बड़ी बड़ी गाड़ियां मेरे पास, दो-दो गाड़ियां, दो-दो मकान, सब कुछ है, लेकिन वो जो पैदा हुआ था, किसान घर से आने वाला बेटा एक स्कूटर भी खरीद सकता है। और इसे मैंने पाइप से धोया, रात 9 बजे हनुमान मंदिर ले गए और इसका पूजा पाठ करके आए, और फिर मेरी जिंदगी ये स्कूटर पर चलने लगी। ये स्कूटर पर चल रही थी, उसी समय मोदी केयर आया, मोदी केयर ज्वाइन किया, और मोदी केयर इसी स्कूटर से मैं करने के लिए मीटिंग वगैरह में जाता था। और हमारे मीटिंग में मोदी केयर में मैं टिका रह गया, तो बहुत सारे लोगों का योगदान है, जिसमें एक योगदान मैं दिल से मानता हूँ कि मोकामा के मुन्ना जी का है। मैं पटना में अकेले था, और बेगूसराय टीम से वो अकेले आते थे पूरे परिवार के साथ, उनकी वाइफ बेटी और 10-20 लोगों के साथ, और वो मोकामा के दूसरे टीम से थे, लेकिन मेरे दिल में कभी ये भावना नहीं थी।
और हम पे प्रोग्राम करते थे पटना म्यूजियम में, जिसमें वो कहते थे कि अरुण सर हम आपके प्रोग्राम में आएंगे, और वो अपने लोगों के साथ आते थे, और हम दोनों मिलकर पटना में 30 रुपया का टिकट लगाकर प्रोग्राम करते थे, कंपनी का कोई व्यवस्था नहीं था, और एडवांस में बेच लेते थे, और ये स्कूटर जब लगती थी बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग आते थे, बोलते थे इस स्कूटर पर कितना दिन मोदी केयर चलेगा, इसे हटाना है तो आप मेरी कंपनी में आ जाओ, मेरी कंपनी में आ जाओ। लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, और मोदी केयर से ये पहला चेक आया था 1448 रुपया का। ये 1448 रुपया का आज भी ये हमारा ड्रीम बुक है। आज मैं लोगों को बोलता हूँ, लोग कुछ करते नहीं है, ये हमारी डायरी है जो मैं मोदी केयर ज्वाइन किया था, और जब चीजें समझ में आया तो ये डायरी में फोटो लगा हुआ है, ये मोदी केयर का प्लान का फोटो लगा हुआ है। और उस जमाने में मोदी केयर में जीबीडी नहीं हुआ करता था, ये हर महीने का चेक का स्टेटस लगा हुआ है, और उस समय मोदी केयर का ये लोगो हुआ करता था, ये हर महीने का चेक इसमें डाला हुआ है। उस जमाने के जो बढ़िया ट्रेनर थे, और हमारा हर सपना लिखा हुआ था इसमें कि मोदी केयर से क्या हासिल करना है, और ये इसमें हमने दूसरे पावदान पर ही लिखा था कि मोदी केयर में हमें टॉप पोजीशन में ही जाना है, और वो जमाने का जो टॉप पोजीशन था वो राय बहादुर गुजरमल मोदी ये वार्ड। और हमने इस डायरी में उसी समय लिखा था जब पहली विदेश यात्रा करके आए, तो कब इमरल्ड बनेंगे, कब डायमंड बनेंगे, अब कब राय बहादुर गुजरमल मोदी ये वार्ड लेंगे, ये सारा चीज हमने स्क्रिप्ट तैयार किया। मेरी वाइफ बोली इस आदमी का दिमाग खराब हो गया, ये 1448 में क्या देख लिया। मैंने कहा मोदी केयर देखने के लिए मेरा दिल और मेरी आंख चाहिए, और ये बिजनेस इतना कमाल का है कि यदि लोग एक दिन प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे हम लाखों नहीं करोड़ों में कमाएंगे। दोस्त फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, मोदी केयर में मंजेश सर कर रहे थे पहला विदेश यात्रा, पहला स्टार डायरेक्टर, पहला इमराल डायरेक्टर, पहला कार एचीवर, ये सब कुछ हुआ। और कभी मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि जिंदगी कहां जा सकती है। सिर्फ एक बिलीव था, कंपनी बढ़िया है, प्रोडक्ट बढ़िया है, तो आज नहीं तो कल हम इतिहास रचेंगे। और एक शब्द जो हमारे जिंदगी को चेंज कर गया वो था के मोदी सर का आवाज मेरे कानों में। हमने एक मैसेज किया था कि सर सारे लोग तो हमारे अपलाइन में मोदी केयर छोड़कर चले गए, अब मोदी केयर हम कैसे करें, कौन सपोर्ट करेगा हमें। तो उन्होंने सुरेखा भार्गव को फोन करके बोला था कि अरुण कुमार को जो भी जरूरत हो, जो भी ट्रेनिंग की जरूरत हो, आप इसे दी के मोदी है। तो ऊपर में के मोदी, नीचे में अरुण कुमार, बीच में कुछ नहीं, और हमने चलना शुरू किया। जब थोड़ी थोड़ी कमाई हुई 98 में, मैं 99 में गया विदेश यात्रा, तो वहां हमारी मुलाकात हुई प्रमोद आचार्य सर से। पहली विदेश यात्रा में हम दोनों रूम पार्टनर भी थे, और बिहार से मैं अकेले था, बिहार झारखंड से और उड़ीसा से वो अकेले थे। हम दोनों लोग अकेले अकेले थे, और चर्चा कर रहे थे कि ये बिजनेस बड़ा टफ है, हर महीने हीरो बनते हैं और जीरो बनते हैं, तो करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन उन्होंने हमें बहुत सारा कुछ सिखाया, और मैंने भी आपस में दोनों लोग बात किए, और वह उस जमाने में बड़े बड़े लीडर हुआ करते थे, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, तो हम लोगों को लगता था कि ये लोग कामयाब होंगे, एक गरीब आदमी के लिए बिजनेस नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग परिश्रम किए जा रहे थे। विदेश यात्रा से लौटे तो हुआ कि ये पुराना स्कूटर से कितना दिन चलेंगे, लेकिन बच्चे की जिम्मेदारी, वाइफ को पढ़ाने की जिम्मेदारी, वाइफ को भी ग्रेजुएट होने के बाद ससुराल से नहीं पढ़ाया गया, तो इसका भी ख्वाहिश था एमए करेंगे, पीएचडी करेंगे, पढ़ने में तेज थी, तो मैंने वाइफ को भी पढ़ाना शुरू किया, दो बेटियों को पढ़ाना शुरू किया, ये सब मोदी केयर के बदौलत शुरू हुआ। और एक पहला नया ब्रांड मोटरसाइकिल खरीदा, वो भी सस्ते में, क्योंकि उस समय तक भी उतना बिलीव पैदा नहीं हुआ था कि ये मोदी केयर कितना आगे काम करेगा, क्योंकि लोग आ रहे थे और जा रहे थे। जब ये मोटरसाइकिल हमने खरीदा 29,000 का, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हीरो होंडा क्यों नहीं खरीदा। देखिए एक गरीब सोच क्या होती है। उस जमाने में मैंने उन लोगों को जवाब दिया जो अक्सर लोग करते हैं कि वो अपने कमियों को छुपाना चाहते हैं। मेरे पास पैसा उतना नहीं था कि मैं हीरो होंडा ले सकता था, तो मैंने लोगों को कहना शुरू किया कि हीरो होंडा की चोरी हो जाती है, मैं ये गाड़ी इसलिए लिया कि इसकी चोरी नहीं होगी, अदरवाइज मैं भी हीरो होंडा ले सकता था। लेकिन हकीकत ये था कि ये जोड़ जोड़ कर इतना ही रुपया मेरे पास था जिससे एक नया मोटरसाइकिल ले सकता था। मेरे जिंदगी में जब ये मोटरसाइकिल आया, फिर मोदी केयर इसी के साथ शुरू हुआ,
और मोदी केयर बहुत बढ़िया चल रहा था कि इसी बीच कुछ कंपनी आई, पटना ऑफिस का सेल 65,000 तक चला गया, जो उस जमाने में 65 लाख हुआ करता था, जो 65,000 पे चला गया, सारे लोग छोड़कर चले गए। कुछ लोग हमारे पास आए और बोले, अरुण जी आप मोदी केयर छोड़ दो, आपको सेंट्रो की चाबी दिखा रहे थे कि एक सेंट्रो की गाड़ी दे देते हैं, आप सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन करा लो दूसरी कंपनी में। मेरी वाइफ को भी बहुत लोगों ने समझाया, लेकिन मैं सोचा, एक किसान का बेटा कि शहर में आया, कोई चपरासी की भी नौकरी नहीं दिया था, और मोदी केयर में 2 से 3 साल काम करने पर यदि साइन करने का 4 लाख रुपया मिलता है, तो अगला 4 साल में 40 लाख भी मिलेगा। मैं उल्टा खोपड़ी का था, हमें लगा 4 साल में साइन करने का 4 लाख है, तो आगे 40 लाख होगा और 40 करोड़ भी हो जाएगा। मैंने कहा, जब तक मोदी केयर है, मैं किसी और कंपनी के सहारे नहीं जा सकता हूं। मोदी केयर चले या बंद हो जाए, लेकिन जब तक मोदी केयर रहेगा, तब तक मोदी केयर के साथ रहूंगा। जिस दिन मोदी केयर बंद हो जाएगा, तभी मैं कुछ सोच सकता हूँ, अदरवाइज कुछ नहीं सोच सकता हूँ। और ये कहिए, बाई चॉइस कहिए या बाई लक कहिए, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि बाई फॉल्ट भी हमें मोदी केयर मिला, जो दुनिया का एक बेहतरीन कंपनी है। बहुत सारे लोग, यदि मेरे पास भी कोई दूसरी कंपनी होती, तीसरी कंपनी होती, तो मैं भी कई कंपनियों का मारा हुआ होता, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि मेरे जीवन में पहली कंपनी ही मोदी केयर आई। और मोदी केयर में एक मोटरसाइकिल के बाद मैंने एक कार अचीव किया, और इसमें बहुत सारे बेगूसराय के लीडरशिप भी आए थे हमें सम्मानित करने के लिए, पूरा पीआई हॉल भरा हुआ था। और उस दिन ऐसा लगा कि मेरे शादी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि एक गाड़ी सजी थी, मैं गांव से बस से बारात आया था और यहां से पैदल चल के, वो स्कूल से ससुराल पैदल चल के आ गया था एक स्कूटर पे। तो लगा कि जो जीवन में नहीं मिला था शादी में, आज ये मोदी केयर का कंपनी मैनेजमेंट इस गाड़ी को सजाकर, और कंपनी का एरिया सेल्स मैनेजर संतोष कुमार सिंह, बहुत बहुत आभार दिल से उस व्यक्ति का भी है। और मेरा मानना है, इस मोदी केयर में यदि एरिया सेल्स मैनेजर संतोष कुमार सिंह जैसा होता, तो आज कुछ और फिगर होता बिहार का, क्योंकि वो आदमी इतना पैशनेट था और वो गाड़ी चलाकर हमारे दरवाजे पर लेकर आए कि अरुण जी ये आपकी गाड़ी रही। तो उस दिन लगा कि शायद मैं ठीक गया, जो बहुत कुछ बड़ा हुआ। और उसके बाद जिंदगी धीरे धीरे बढ़ने लगी, इनकम भी बढ़ने लगा और सब कुछ अच्छा चलने लगा। बड़ी बेटी का ख्वाहिश था बढ़िया पढ़ाई कराना है, तो उसे निफ्ट में एडमिशन कराया और 19 लाख रुपया लगाकर उसे फैशन डिजाइनर बनाया। प्रेजेंट टाइम पेपे जींस में एज ए सीनियर डिजाइनर मुंबई में है। आज से 2 साल पहले उसकी शादी किया मैंने, और वो भी बॉलीवुड स्टाइल में, जो एक किसान का बेटा सोच नहीं सकता था। हमारे गांव से जितने भी रिश्तेदार आए, सबने कहा, हमारे समधी जी भी आए थे, कहा बोध गया में एक 50 लाख की शादी हुई थी, वो उसको देखकर, इसे देखकर लगा ही नहीं कि ये शादी इतना शानदार है। और बहुत ही बड़े पैमाने पर मैंने किया था, दिल खोल कर किया था। जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी मेरे जिंदगी में एक बड़ा सेटबैक हुआ, मेरे पिताजी का देहांत हुआ। ये घटना है 17 दिसंबर 2014 का। मैसेज आया 2 दिन पहले कि पिताजी का लगता है कि हालत बहुत ज्यादा खराब है, अब वो सरवाइव नहीं करेंगे। तो रात 9 बजे हम पति पत्नी, और मैं उस दिन रात में रोते रोते गांव गया, और हर वक्त वही याद आता था कि पिताजी कैसे गोद में लिया करते थे, बाहर से आते थे तो कैसे वो प्लास्टिक का जूता पैरों से निकालते थे और हम लोग लिपट जाते थे, जो एक गांव में होता है। और मैं आज भी, मेरा ये दिल रो गया कि लगा कि अब तो मैं अनाथ हो गया, एक किसान का बेटा जो इस लेवल तक गया था, फिर मैं तन्हा तन्हा खाली फील करने लगा। और मैं रात में गया पिताजी के पैर के पास बैठा, और लगा कि अब तो सब कुछ होते हुए फिर मैं एक बार वहीं वापस लौटने जा रहा हूं। लेकिन उस दिन उनका देहांत नहीं हुआ, नेक्स्ट डे करके उनका देहांत हो गया। मेरा ड्राइवर लौट कर चला आया। 2 दिन हम सोए नहीं थे दाह संस्कार करके, और 4th दिन प्रोग्राम था कलकत्ता में गो डायमंड वर्कशॉप, और उस वर्कशॉप में कंपनी के तरफ से हमें गेस्ट स्पीकर बनाया गया था। हमारे कुछ कंसल्टेंट का फोन आया कि सर अब तो आप जा नहीं पाएंगे, और 60 लोग क्वालिफाई किए थे, तो मेरा कमिटमेंट लेवल बहुत हाई है, मेरा प्राण चला जाए लेकिन बचन नहीं जा सकता है। हमने अपने कंसल्टेंट को कहा कि यदि मैं जिंदा हूं तो मैं कलकत्ता आ जाऊंगा, पिताजी तो चले गए,
मैं खुद गाड़ी ड्राइव करके घर से चल दिया। घर से 18 किलोमीटर चला था, आगे सीट पर मेरा भतीजा बैठा हुआ था, मैं ड्राइव कर रहा था, पीछे मेरी वाइफ, मेरी बेटी और मेरी भाभी। हम सब लोग को नींद आ गया और गाड़ी चलते रही, चलते रही और नूर सराय के पास आकर गाड़ी ऐसी एक्सीडेंट हुई कि पांचों का कोई अता पता नहीं, ब्लड गाड़ी के बाहर आ रहा था। कुछ गांव के लोग आए, भीड़ लग गई, लोगों ने कहा क्या हुआ, तो एक लेडी जो मोदी केयर करती थी उसने देखा, चूंकि उस जमाने में मैं बड़ा बड़ा इवेंट करता था बिहार शरीफ टाउन हॉल वगैरह में, तो वो शिक्षिका रोने लगी कि ये मोदी केयर वाले सर है, यदि मेरी जिंदगी दोबारा भी आई तो ये मोदी केयर का ही देन है। और उसने कहा कि ये तो नीरपुर के हैं, तो एक मुखिया आ रहा था उसे रोक कर, और ये जो बड़ा वाला पियाजू टेम्पू है उसमें पांचों बॉडी को लाद कर बिहार शरीफ सदर हॉस्पिटल भेजा गया, ये बोल कर कि अब इसमें से कोई जिंदा नहीं है। इस सदर हॉस्पिटल में जब गया मेरा बॉडी, तो वहां 50% स्टाफ हमारे मोदी केयर कंसल्टेंट थे, लेकिन सिविल सर्जन ने मना कर दिया कि ये पुलिस केस है, इनका इलाज नहीं हो सकता है। लेकिन सबने फर्स्ट एड शुरू कर दिया था और 5 एम्बुलेंस पर 5 बॉडी को लाद कर और वहां से भेजा गया पटना के आलोक नर्सिंग होम। इस आलोक नर्सिंग होम के आईसीयू रूम में हम 5 लोग थे, कोई पानी देने वाला भी नहीं था। एक बेड पर मैं पड़ा हुआ हूं, दूसरी पर वाइफ है, तीसरी पर बेटी है, भाभी है, भतीजा है, और हजारों लोग हॉस्पिटल के बाहर। मेरी आवाज भी नहीं थी, आवाज भी कंप्रेस्ड हो गई थी, चूंकि चेस्ट पर स्टेरिंग गया था तो आवाज भी बंद हो गई थी, तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता था। सारे लोग आते थे और रोकर चले जाते थे कि अब तो हम लोगों का भी जिंदगी बड़ा मुश्किल हो गया। और इलाज हमारे करने वाले जो डॉक्टर थे, वो डॉक्टर नरेंद्र कुमार थे, जो एशिया के सबसे बेहतरीन सर्जन माने जाते थे, और इन्होंने रिपोर्ट देखकर कहा था कि ये सरवाइव नहीं करेगा, और सरवाइव करेगा भी तो इसे बेड पर रहना पड़ेगा, ये अगले 3 से 5 साल तक कभी सरवाइव नहीं करेगा, क्योंकि जब चेस्ट रैप्चर हो जाता है, मांस चिपक जाता है, तो वो नेचुरल वे में धीरे धीरे वो अपने जगह पर जाता है, इसका कोई ऑपरेशन नहीं होता है। और उन्होंने कहा ये बच ही गया, ये 9वां आश्चर्य है, इसे तो बचना भी नहीं चाहिए था, लेकिन शायद ऊपर वाले ने कुछ और लिखा था। और एक कहावत है, यदि आपने बहुत बुरा किसी का नहीं किया है तो आपका भी ऊपर वाला बहुत बुरा नहीं करेगा। तो हमने भी किसी का बुरा नहीं किया था, तो ऊपर वाले ने, हम 16 दिन आईसीयू में रहे, और 16 दिन के बाद जब आईसीयू से डिस्चार्ज हो रहे थे तो हम करवट भी नहीं ले सकते थे। करीब 4-5 लोग मिलकर बेडशीट उठाकर हमारा करवट चेंज कराते थे, या 4 लोग उठाकर हमें बाथरूम ले जाते थे। जब डिस्चार्ज होने लगे हॉस्पिटल से, तो इन्होंने मेडिसिन लगना शुरू किया, तो हमने हाथ जोड़कर मना किया कि मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगा, तो इन्होंने कहा एंटीबायोटिक नहीं खाएगा तो बचेगा नहीं, मर जाएगा। मैंने कहा मैं मरूंगा नहीं, मैं जिंदा रहूंगा। और जिस तरह से सचिन तेंदुलकर ने नाक टूटने के बाद भी बोला था कि मैं खेलेगा, तो मैंने भी उस दिन हॉस्पिटल में बोला मैं जीऊंगा और 3 महीना के अंदर मैं सर्वाइव करूंगा। और मैंने उनको जिंसिंग दिखाया, ऑल प्लांट प्रोटीन दिखाया, जो उस समय प्रोटीन नरीसर था, और मल्टी विटामिन का, ये 3 अस्त्र ही हमारी जिंदगी को कामयाब बनाएगा। और यकीन मानिए, हॉस्पिटल से आने के बाद मेरे घर में फिर झगड़े शुरू हो गए हस्बैंड वाइफ में। वाइफ ने कहा आदमी बहुत जिद्दी है, दवा खाएगा नहीं तो ये बचेगा कैसे। हमारे घर में एक बेड लगा हुआ था और एक रस्सी लगा हुआ था, उस रस्सी को पकड़कर हम उठते थे, और 4 लोग हमें उठाकर बाथरूम ले जाते थे। और तीसरा दिन, चौथा दिन आते आते मैं बाथरूम खुद जाना शुरू किया। 1 महीना के अंदर हम अपने सेकंड फ्लोर में रहते हैं तो रेलिंग वगैरह पकड़कर घूमना शुरू किए, और 3रा महीना मैंने ट्रेन का भी सफर किया और बाइक भी चलाया। ये हमारा कॉन्फिडेंस था। और मैंने उस दिन सोचा कि मोदी केयर में आज लोग साबुन का डेमो दिखाते, पेस्ट का डेमो दिखाते, लेकिन एक बात हम सब दिल से बोलते हैं सबको कि मोदी केयर जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है, लेकिन इसका कोई जिगर वाला आज तक मोदी केयर में पैदा नहीं हुआ जो डेमो करके दिखाए। उस दिन हमें यकीन हो गया कि ये हमारे जिंदगी में डेमो पार्ट था, ऊपर वाले का टेस्ट कर रहा था, और उसने कहा कि तू ही इसे प्रूफ कर सकता है कि मोदी केयर जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। लगा कि अभी तो कारोबार शुरू हुआ है और बहुत कुछ करना बाकी है। उस दिन दिखा मोदी केयर का पावर। जिस महीने एक्सीडेंट हुआ था पे आउट हमारा 63,000 का था, अगले महीने का पे आउट हमारा 75,000 का था, उसके अगले महीने का पे आउट हमारा 90,000 का था,
उसके अगले महीने का पेआउट हमारा 1,15,000 का था, उसके अगले महीने का 1,40,000 था, और मई जाते जाते हमारा चेक 1,65,000 था। और इसे कहते जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। आप यकीन मानो उस दिन इतना बड़ा दिन हुआ, और मैंने सोचा कि यदि मैं कहीं वीडियो भी होता, सीओ भी होता, तो इतना हॉस्पिटल में खर्च हुआ कि मैं पूरी जिंदगी कमा के भी नहीं भर सकता था। लेकिन उस दिन लगा कि वाकई यदि मैं उस दिन मर गया भी होता, फिर भी ये पे आउट हमारी बीवी के नाम या बेटी के नाम से आया हुआ होता या नहीं आया हुआ होता। यकीन मानो इतना ही काफी है विश्वास के लिए। और आज हर प्रूफ आपके पास है कि जिंदगी के साथ भी, लेकिन शरीर ने कमबख्त इतना धोखा दिया कि जो 2 साल मैं एक्टिव नहीं रहा तो हमारे टीम को बहुत जगह तोड़ दिया गया। मेरा पूर्णिया बहुत बड़ा बेल्ट था, मेरा कटिहार बहुत बड़ा बेल्ट था, और 2 साल तक एग्रीकल्चर में मैं इंडिया टॉपर था, एक्टिविटी का मैं इंडिया टॉपर था, दिल्ली में मेरा 8 गोल्ड अचीवर था पुराने प्लान में, और एक वक्त था कि दिल्ली में मेरा बहुत बड़ा बिजनेस था। लेकिन वहां भी गेम प्ले मोदी करके लोगों ने ही कर दिया, हमारे लोगों को मोदी करके लोगों ने ही तोड़ दिया, पैसा दे देकर लोगों को खरीद लिया। एक वक्त था हमारा छत्तीसगढ़ में हमारा 12 लाख का एक्टिविटी हर महीने बिकता था, और पहला कार अचीवर के बाद हमारा जो मुन्ना कुमार आया था उसे भी मोदी केयर में किसी और टीम में शिफ्ट कर दिया गया पैसा देकर। तो बहुत बार तोड़ा गया, लेकिन मैं इस मोदी केयर का सिंगल अमीबा हूं जिसने प्रूफ कर दिया तुम जितना भी तोड़ो जितना भी काटो मैं फिर उतना होने के लिए तैयार हूं। और इतना चैलेंज मैंने सहा है, शायद आज मोदी केयर में मेरा चैलेंज नहीं दावा है किसी के जीवन में भी ऐसा होगा, वो उस कंपनी में दोबारा कदम नहीं रखेगा। लेकिन मोदी केयर मेरा लव है, मोदी केयर नॉट कंपनी, ये मेरा लव है, मेरा प्यार है जो मेरे ब्लड में बसता है। और आज इस मोदी केयर से मैंने जैसे ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ 6.5 लाख की गाड़ी मेरी टूटी थी, 14 लाख की गाड़ी लिया। लोगों ने कहा पागल हो गया, ये हॉस्पिटल में रहा कमाई खत्म हो गया, लेकिन लोगों को क्या मालूम कि मेरी कमाई आ रही थी। तब तक मैं दूसरा कार अचीवर हो गया था, और दूसरा गाड़ी मैंने जब ये गाड़ी लेने के लिए गए तो मेरी वाइफ ने विरोध किया कि 2 बेटी शादी करने के लिए है, 4 लाख 5 लाख में गाड़ी मिलती है, इतना में तो हम 3 गाड़ी ले सकते हैं। लेकिन मैंने कहा मैं जो जिंदगी में पसंद आया मैंने उसे एक्टिव किया है, और ये पसंद है तो मैं यही गाड़ी लूंगा। ये गाड़ी मैंने खरीदा, जिंदगी फिर आगे बढ़ने लगी। ये 14 लाख की गाड़ी एक सपना था पटना में कि खुद का घर हो। बहुत सारा विदेश यात्रा किया, मोदी केयर ने एक प्रतियोगिता निकाला था टॉप 50 का, उसमें भी लंदन ट्रिप क्वालिफाई किया, तो लंदन मॉस्को टर्की दर्जनों विदेश यात्रा हमने किया अपने डाउनलाइन के साथ। एक किसान का बेटा जो कभी एसी ट्रेन में नहीं चढ़ा था, आज 22 साल के मोदी केयर के सफर में दुनिया का ऐसा कोई प्लेन नहीं जिस पर सफर नहीं किया। सपने सच होते हैं ये मोदी केयर ने प्रूफ करके दिखाया। पहली दफे मैं गया था हांगकांग, दूसरी दफे मलेशिया, और तीसरा चौथा का तो कोई गिनती नहीं है। अब हर साल पिछले दो साल से तो मैं पति पत्नी नहीं अपनी बेटी दामाद को भी लेकर इस बिजनेस से जा रहा हूँ। तो ये प्रूफ है कि अगली पीढ़ी भी आज हमारे बच्चे भी आज इस बिजनेस को एंजॉय कर रहे हैं। और अभी पिछले ट्रिप में मैं बेटी दामाद को भी लेकर गया था, हमारे दामाद भी प्रोफेसर है इंजीनियरिंग कॉलेज में। जब मैंने सिंगापुर में पूछा कि आपके नौकरी में ऐसा दिन आ सकता है, उन्होंने कहा कभी नहीं आ सकता है। मेरी बेटी दामाद भी आज मोदी केयर में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, और वो भी आज हर जून का मीटिंग अटेंड करते हैं और पार्ट टाइम वो भी बिल्ड कर रहे हैं। मैंने उसे भी कहा कि तो की सैलरी आज 2 लाख है, लेकिन इसमें जिंदगी कटेगी, जिंदगी जी नहीं सकते हो, और जिंदगी जीना है तो मोदी केयर के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और शादी में जब हमारे दामाद घर आए तो मैंने उनको प्लान दिखाया, डेमो किट दिया और बोला कि यही जिंदगी है, यदि जिंदगी जीना चाहते हो ये करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। बहुत मान सम्मान मिला देश के हर बड़े स्टेडियम में समीर मोदी जी के साथ। एक वक्त था कि बिहार शरीफ के टाउन हॉल में 200 आदमी की मीटिंग करने में 15 मिनट में मैं भाग गया था टाउन हॉल से, और पूरा पसीना से भींग गया था। एक किसान का बेटा जो 4 महिलाओं को देखकर बोल नहीं सकता था, जिंदगी में ऐसा भी पलाया कि 25,000 लोगों के बीच भी बोला, 50,000 लोगों के भी बीच बोला, आज इस मोदी केयर ने सेलिब्रिटी बना दिया। आज जूम पर भी प्रत्येक दिन किसी न किसी टीम का सेमिनार कर रहा हूँ, या इसके पहले भी दर्जनों सेमिनार किया पूरे देश में लोगों के लिए जाकर, जहाँ काफी मान सम्मान भी लोगों ने दिया।
और आज मेरी जिंदगी, मेरा मकसद मोदी मय हो गया। आज मैं जीता हूं मोदी केयर के लिए, मरता हूं मोदी केयर के लिए। इसलिए आज सुबह सुबह आर्मी टीम चलाता हूं, जहां 25 लोगों को आर्मी तैयार कर, वक्त जो लगे आज नए लोग जो बोले कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, यकीन मानो एक दिन वही होगा जो आप विश्वास करते हो। और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन जीवीडी का भी दर्जन नहीं 100 लगेगा, और ये एक वक्त होगा। ये अभी बंबू की तरह है, तैयार हो रहे हैं लोग। इसके बाद 2017 में हमें आजादी बोनस दिया गया, और ये आजादी बोनस दिया गया कटोरा स्टेडियम में, और वो बोनस चेक था 34,97,000। एक किसान का बेटा कभी 1,000 भी बैंक अकाउंट में नहीं देखा था, लेकिन 17 आते आते जिंदगी ऐसे बदली कि लगा कि ये बड़ा कमाल हो गया मोदी केयर में। और एक ड्रीम कार, जब सिंगापुर एयरपोर्ट पर हम हस्बैंड वाइफ दोनों थे, तो वाइफ देखी ये गाड़ी बहुत बढ़िया गाड़ी है, और इसी गाड़ी से मोदी जी भी चलते हैं, तो उसी दिन ड्रीम बुक में डाल दिया कि हमारे जीवन में तीसरी गाड़ी आएगी। और शायद इस साल ये गाड़ी आ गई होती, लेकिन हमारे घर में रखने का दिक्कत है। मकान अभी जून में गृह प्रवेश था, लेकिन लॉकडाउन में हो नहीं पाया। तो ये ख्वाहिश था कि नए घर में जाएंगे तो इसी गाड़ी के साथ जाएंगे, और ये गाड़ी ज्यादा महंगा नहीं है, 70 लाख की गाड़ी है। जिस किसान के बेटा ने 10वीं क्लास तक साइकिल पर हाथ नहीं रखा हो, और मोदी केयर में आज चुटकी बजा के बोलता है कि ये भी गाड़ी हमारे जिंदगी में आने वाली है, और बहुत कम समय में, ये माई नेक्स्ट ड्रीम। और ये सोचा था 2019 में लेने के लिए, 19 में नहीं हुआ, 20 में हो सकता है दिसंबर तक हो जाए, लेकिन 21 मिस भी नहीं करेगा। और गाड़ी हमारे पास होगी तो यही रेंज रोवर होगी, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं मर्सिडीज या ऑडी या BMW नहीं लूंगा, क्योंकि अब तो देशभक्ति आई है तो गाड़ी भी हिंदुस्तानी ही चलेगी। माय ड्रीम हाउस जो बनकर तैयार है, हमारा फर्नीचर वगैरह का काम चल रहा है, इंटीरियर वगैरह का काम चल रहा है, ये आपके पटना के बस स्टैंड के पास, मीठापुर बस स्टैंड के पास है, आशीर्वाद इनक्लेव का ए, इसमें ए ब्लॉक में 204 नंबर का फ्लैट है, करीब 60 लाख का फ्लैट है, लेकिन जो इंटीरियर वगैरह सब करा रहे हैं, जाते जाते एक करीब 70-80 लाख रुपया पड़ेगा। और ऐसे ऐसे हमने 3 फ्लैट बुक कर रखे पटना में, दोनों बेटियों के लिए अलग अलग मकान, एक किसान का बेटा, बेटी की शादी, आज शहर में ऑफिसर भी होते हैं, बेटी की शादी करने के बाद भूल जाते हैं, लेकिन मैंने कभी बेटी की तरफ परवरिश नहीं किया, मैंने बेटे की तरफ परवरिश किया, और इस सोच के साथ किया कि एक दिन उसकी जिंदगी ऐसी हो जो मेरी जिंदगी नहीं हुई है। जिस कष्ट में मैंने जीना शुरू किया था, वो कष्ट हमारे बच्चों के जीवन में नहीं आना चाहिए। उसी ख्याल से 1998 में जब मोदी केयर में आया था, और आज 2020 है, ये फासला ऐसा है कि शब्दों में किसी को बिलीव नहीं होगा, लेकिन 1448 रुपया से शुरू हुआ था इस मोदी केयर में, और आज मोदी केयर में 5 लाख प्लस, आज महीने का 1 लाख रुपया तो GST हो जाता है, 1 लाख रुपया के आसपास। हमने इस 22 साल में काम का किया, आपके बेगूसराय, बिहार, पूरे हिंदुस्तान में लोग इस 22 साल में जो नौकरी कर रहे थे, वो नौकरी में 10 घंटा टाइम दे रहे थे, बिजनेसमैन घर से दुकान जा रहा था, लेकिन किसी के जीवन में भी जाकर सर्वे करके देखिए कि 98 से 20 में क्या चेंज उनके जीवन में आया। हमारे जीवन में जो चेंज आया, इसमें एक्शन क्या था, 22 साल से हमने एक कमिटमेंट डाला कि हमारे शरीर में जो साबुन लगेगा वो मोदी केयर का लगेगा, मेरे मुंह में जो पेस्ट होगा वो मोदी केयर का होगा, हमारे घर में जो टॉयलेट साफ होगा, फर्श साफ होगा, वो मोदी केयर का होगा। और इस प्रोडक्ट ने सिर्फ हमारे बाथरूम और शरीर को साफ नहीं किया, एक किसान के बेटा को सेलिब्रिटी बना के रख दिया। यकीन मानो मेरी जिंदगी बदली है तो आपकी भी जिंदगी बदलेगी, और यकीन मानो जो हमने 22 साल में किया है आप 12 महीना में कर सकते हैं, क्योंकि अब वो मोदी केयर नहीं रहा। आज मोदी केयर के पास, हमारे जमाने में 9 प्रोडक्ट हुआ करते थे, आज मोदी केयर में 450 प्रोडक्ट है, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, बच्चा से लेके बूढ़ा तक, और स्वस्थ से लेके बीमार तक, हर तरह का प्रोडक्ट आज आपके पास मोदी केयर का है। और आज हमारे टीम में 41 कार अचीवर है, कुछ लोगों का फोटोग्राफ मेरे पास भेजा था, जो है मृत्युंजय कुमार जी है, जो आज क्राउन डायमंड डायरेक्टर है, इन्होंने भी 2-2 मकान मोदी केयर से बनाया, गाड़ी लिया, दर्जनों विदेश यात्रा किया। हेमंत कुमार सुधांशु जी है, ये भी क्राउन डायमंड डायरेक्टर है। रत्ना जी है, ये भी क्राउन डायमंड डायरेक्टर है, इन्होंने भी कार लिया, इन्होंने कहीं विदेश यात्रा किया।
रंजीत जायसवाल जी हैं, ये रास्ता चलते मिले थे बोकारो में 2 साल पहले, और ये विकलांग है, एक पैर के आदमी, 2 साल में आज क्राउन डायमंड डायरेक्टर है, और ये 2020 के जीबीडी है। 17 लाख की गाड़ी इन्होंने 2 साल के अंदर लिया मोदी केयर से, एक पैर का होते हुए आप भी कर सकते हो। संजय जी बारसलीगंज से है, जो होम्योपैथी का प्रैक्टिस करते थे, अभी 10 लाख की गाड़ी इन्होंने लिया, क्राउन डायमंड डायरेक्टर है, और आज इनकी सेकंड पीढ़ी, इनकी बेटी भी मोदी केयर को बहुत शानदार तरीके से बिल्ड कर रही है, जूम पर प्रोग्राम करती है, और खुद का कैरियर मोदी केयर को समर्पित थी। ये अनिता कुमारी जी है, इनको बिजनेस गिफ्ट में मिला है, इनके हस्बैंड ने मोदी केयर ज्वाइन किया था, हस्बैंड के गुजर जाने के बाद एक कोर्ट ट्रांसफर हुआ, जो हस्बैंड ने फील्डिंग तैयार की थी, बढ़ते बढ़ते वो 10-20 लोगों से आज इनका कद बहुत बड़ा हो गया है। आज ये भी दर्जनों विदेश यात्रा करके आई हैं, और अभी 2 महीना पहले इन्होंने मोदी केयर से होंडा सिटी गाड़ी लिया 15 लाख की। कल्पना करके देखो, यदि इनके हस्बैंड ने मोदी केयर नहीं किया हुआ होता, उनका डिसीजन सही था या गलत था? और सही था तो आज आप नहीं कर पाए, तो आज करो, अभी करो, और 2020 की ये जीबीडी है, अक्टूबर महीना डेडलाइन है कि 2020 में ये जीबीडी बन रही है, और 2020 में दर्जनों जीबीडी आ रहे हैं। सोच के देखिए, एक महिला जो घर में सिलाई से काम चलाती थी, आज सेलिब्रिटी की तरह जूम में 3 शिफ्ट में अपने टीम में मीटिंग चलाती है, चाहे ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम हो, लीडर इंप्रूवमेंट प्रोग्राम हो, या और भी तरह का प्रोग्राम हो। ये है रंजीत जी, जो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, और ये भी मोदी केयर में, इन्हें मैंने बुलाया था कि मोदी केयर करना चाहते हो तो करो, और आज इनके नीचे भी क्राउन डायमंड डायरेक्टर है, दर्जनों कार अचीवर इनके नीचे भी है। ये शंभू जी हैं, किसान परिवार से आते हैं परबलपुर के पास, और आज भी ये खेती करते हैं, लेकिन 10 लाख की गाड़ी अभी 2 महीना पहले इन्होंने अचीव किया है। ऐसे दर्जनों लोग हैं, ये नवीन प्रकाश जी हैं, ये रानी मिश्रा जी हैं, और इन सारे लोगों ने एक ही चीज किया जो मैंने किया, फोकस किया। किस चीज को फोकस किया? 22 साल में मोदी केयर में क्या फोकस किया? एक ही चीज को फोकस किया, एक ही कोर्स किया, एक ही अंटिल, एक ही कोर्स। मोदी केयर के अलावा कुछ नहीं है, ना मैं कुछ और करूंगा, ना ऑलवेज मैं फोकस करते गया अंटिल सक्सेस के लिए। और जब एक ही दिशा में आप फोकस होते, तो आप फेल कितने बार हुए ये मायने नहीं रखता है मेरे दोस्त। स्टे द ट्रैक सो द वर्ल्ड इफ कैन डू इट। आप एक ही प्लेटफॉर्म पर टिके रहो, एक दिन दुनिया को करके दिखा दो कि आप भी कर सकते हो, और आप में मादा रखता है, और आप बहुत सौभाग्यशाली हो। बेगूसराय में लीडरशिप इतनी बड़ी है कि वो पूरे हिंदुस्तान को आदर्श दे सकता है, एक चैलेंज दे सकता है, तो आप लोग बहुत खुश नसीब है। जहां मंजे जी, गुड्डू जी, HD सिंह, OP उत्तम सर, ये जैसे दीपक कुमार जैसे लीडर है, अविनाश एक साधारण सा लड़का देखते देखते जीबीडी को गया, तो आज ये सारे लोग बहुत कुछ कर गए। फेल कितना बार हुए मायने नहीं रखता है। यदि थॉमस अल्वा एडिसन 9999 बार फेल होने के बावजूद भी यदि वो वन कोर्स अंटिल फोकस नहीं होता, तो आज रोशनी नहीं होता। सेम वही चीज यदि सुरेखा जी, प्रमोद आचार्य, राजू डीजी, ये भी यदि मोदी केयर में फोकस नहीं होते, तो आज इनका चेक भी 15 लाख, 20 लाख या 70 लाख नहीं होता। आपके जिंदगी में भी यदि आपको कामयाब होना है, तरक्की लेना है, तो आपको भी फोकस होना पड़ेगा। सोच के देखो, सचिन के पास 2 ऑप्शन था, घायल हो जाने के बाद पवेलियन चला जाए या खेले। लोगों ने कहा कि आप पैदल चलकर जाओगे या स्ट्रेचर पर चलकर जाओगे, तो इसने कहा मैं खेलेगा। मैं भी दोस्तों बहुत बार घायल हुआ इस मोदी केयर में, लोगों ने मना किया, कभी पजेरियो दिखाया, कभी 1 करोड़ का इनकम दिखाया, कभी कंपनी का फ्रेंचाइजी दिखाया, लेकिन मैंने कहा मैं खेलेगा और मोदी केयर में खेलेगा। जैसे सचिन ने 100 शतक लगाया और आज क्रिकेट का भगवान बन गया, वैसे ही मेरी तमन्ना भी है इस मोदी केयर में अगले 5 साल के अंदर 100 GBD पैदा करूं, जहां लोग लाखपति नहीं, करोड़पति नहीं, आज हमारे लीडर लोग अपने अपने बोर्ड पर लिख लिए 100 करोड़ का मालिक बनना चाहते अपने 5 साल में। 3 काम आपको करना होगा डिसिप्लिन के साथ। अच्छा सोचिए, किसके तरह सोचना है। अच्छा सोचने में एक उदाहरण आता है, आप सब गणेश जी को जानते हैं। गणेश जी किन के पुत्र थे? शिव जी के पुत्र थे, और शिव जी के 2 पुत्र थे, एक गणेश और दूसरा कार्तिकेय।
अब सोच के देखिए कि गणेश जी को ए हाथी का सूंड लगा हुआ है, बचपन में इनके पिताजी ने इनका वध कर दिया था, और सर भी लगाया तो जानवर का लगा दिया। आज के दौर में यदि कोई बाप ऐसा करे, अपने बेटा का सर काट के जानवर का सर लगा दे, क्या वो बेटा उस बाप के बारे में क्या सोचेगा? आज तो कुछ बोलता बाप नहीं, लोग बंदूक लेके चले जाते हैं, और इसके बावजूद भी सवारी इनका चूहा, कार्तिकेय का मोर। और पिता ने एक प्रतियोगिता लगाया दोनों बेटा में कि जो विश्व परिक्रमा करके सबसे पहले आएगा वो हमारे लिए सबसे प्रिय होगा। हमारे आप जैसा बेटा होता तो क्या बोलता? एक तो गर्दन काट दिया, दूसरा सवारी भी चूहा का दे दिया, अब ये विश्व परिभ्रमण की बात करता है। तो आज के दौर का बेटा होता तो गोली मार देता, लेकिन उस जमाना का बेटा था, इसने माँ बाप को ही एक चक्कर लगाया और बोला आप ही मेरे लिए विश्व परिक्रमा हो। यदि ऐसा आप सोचेंगे तो गणेश जी पूजनीय हो गए, एक दिन आप भी ब्रह्मांड में इस मोदी करी इंडस्ट्री में पूजनीय हो जाएंगे। रेट बढ़े रेट गिरे, प्लान चेंज हो, अपलाइन हो डाउन लाइन हो, लेकिन सोचना है तो गणेश की तरह सोचो। दूसरा है पूछो, आप यदि 1 लाख 2 लाख 5 लाख कमाने के लिए आए हो तो पूछो, किससे पूछोगे? पूछिए सही व्यक्ति से। सही व्यक्ति कौन हो सकता है और सही वक्त क्या हो सकता है? आप सोच के देखिए, अभी महाभारत खत्म हुआ, जब महाभारत शुरू होना था अर्जुन ने अपना गांडीव रख दिया और बोला किसको मारूं, सब तो अपने हैं। यदि यही सवाल वो किसी और से पूछ लिया होता तो ये महाभारत होता या उसी समय समाप्त हो गया होता। आज जितने भी नेटवर्कर है वो पूछते हैं, लेकिन किससे पूछते हैं? जो फेलुअर लोग हैं, फेलुअर लोग फेल होने की भाषा बताएंगे। पूछना है, कामयाब होना है तो अपने जीवन में भी एक कृष्ण पैदा कर लो, चाहे वो भी उत्तम के तरह, अविनाश कुमार के तरह, मंजेश कुमार के तरह किसी को अपना कृष्ण बना लो और पूछो। यदि वो वहां तक गए हैं तो आपको भी लेकर जाएंगे। आप अपने जीवन में एक कृष्ण जरूर बनाओ। और तीसरा कीजिए, किसके तरह कीजिए? हनुमान जी के तरह कीजिए। आज अपलाइन कोई बात आपको बोल दे तो आप क्या कहते हैं? हनुमान जी को जब लक्ष्मण को बाण लगा तो इन्हें संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा गया और बताया गया कि उस पर्वत पर जो वो पौधा है उसमें प्रकाश होता है। हमारे आपके तरह यदि गया भी हुआ होता, एक तो जाता नहीं और गया भी हुआ होता, और पूरा पहाड़ पर यदि वैसी रोशनी होती तो हम लोग लौट कर आते और बोलते हमें पता नहीं चला। लेकिन उन्होंने क्या किया, पूरा पहाड़ उठाया और लाकर रख दिया, बोला हमें मालूम नहीं कि इसमें कौन सा जीवनी है, आप ढूंढ लो। आपको भी मालूम नहीं है कि आपके जो प्रोस्पेक्ट है उसमें कौन जीवीडी है, आप उठाकर लाइए अपने लीडरशिप के पास और ए उसमें परख लेंगे कि कौन जीवीडी बनने वाला है। आपका भी कल्याण होगा और उनका भी कल्याण हो जाएगा। तो मेरे दोस्त कीजिए, लेकिन हनुमान के तरह। और यदि आप ऐसा करते हैं तो इस लॉकडाउन में, जैसे महाभारत में 13 साल का वनवास पांडवों को मिला था, लेकिन इस 13 साल में वो 14वें साल की तैयारी कर रहे थे, ये लॉकडाउन भी आपको उस लॉकडाउन फ्री पीरियड की तैयारी करने के लिए मिला है। उस 13 साल में भीम गदा सीख रहा था, अर्जुन इंद्र लोक गया हुआ होता ब्रह्मास्त्र के लिए। इस लॉकडाउन पीरियड में भी आप इस जूम मीटिंग में अपना ब्रह्मास्त्र ढूंढ लो, और मिल गया, ये ब्रह्मास्त्र मिल गया, जिससे आप आने वाला दिन में, यकीन मान लो, जो लोग 22 साल में जीबीडी बने, आज लिख के मैं बोलता हूं, यदि आप सिस्टम के साथ काम करो तो 12 महीना में जीबीडी बन सकते हो, नहीं आप 12 महीना में दूसरे को जीबीडी बना सकते हो। और किसी से रिक्वेस्ट है, प्लीज स्क्रीन पर ना लिखे, इसे इरेज कर दे, क्योंकि आप जिंदगी बदलने के लिए आए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि स्क्रीन को गंदा ना करें। और इस पीरियड के बाद जो होने वाला है आपके जीवन में, ऐसे ही जश्न आपका मनेगा, और एक दिन कैसा जश्न मनेगा जो बताना बड़ा मुश्किल है दोस्त। लेकिन आप ये 3 काम कर लो तो चौथा पिक्चर, अगली पिक्चर आपकी ही लगेगी। और आप यहाँ से क्या क्या हासिल कर सकते हैं जो बताना बड़ा मुश्किल है। और इस 22 साल ने हमें सिर्फ एक ही चीज सिखाया, यदि जज्बा आपके अंदर है तो इस मोदी केयर में कौन अपलाइन
कौन डाउनलाइन कोई मायने नहीं रखता है। आपके अंदर यदि जज्बा है एक दिन जीत के रहेंगे। और बिना अपलाइन बिना आज भी मेरे एक्सीडेंट के बाद से मोदी केयर मैनेजमेंट का एक भी मीटिंग मैंने नहीं करा। लेकिन यकीन मानिए 2020 में दर्जनों जीवीडी पैदा करूंगा और अगले दो साल नहीं तीन साल जाते जाते सैकड़ों जीवीडी पैदा करूंगा, ये मैंने प्रण कर लिया है। और आप में से कोई भी आदमी यदि जीवन में कोई भी सपोर्ट की जरूरत हो ये मोदी केयर के लिए बना है और मोदी केयर के लिए समर्पित है। तो हम सब के लिए जब चाहे आज बहुत सारे लोग दूसरे दूसरे टीम के लोग आते हैं हमारे घर बैठते हैं काउंसलिंग करवाते हैं और बोलते हैं सर आपसे मिलकर जीवन में मेरा सौभाग्य नहीं है आप सभी का सौभाग्य है। और आप सभी को अगेन एक बार दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो आपने हमें इस लायक समझा कि हम आपके लोगों की जिंदगी बदलने में काम आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल द बेस्ट मंजीश जी एंड टीम बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अब हैंड ओवर करता हूं। मेरी आवाज जा रही है मंजेश सर? आपका म्यूट है सर। हेलो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैंने सर आपको होस्ट बना दिया था प्रोग्राम का। सर एकदम पूरी तरह से खो गया और वर्षों बाद आपको सुनने का मौका मिला और दिल से जो कुछ भी सर आपने बताया दिल से बताया। मैं कमेंट्स को देखकर काफी खुश हो रहा था, लोग इतने एक्साइटेड हैं आपकी बातों को सुनकर। और सभी लोगों ने एक कमिटमेंट की कहानी को सुना, एक सपनों की कहानी को सुना और कहा 1400 रुपए के चेक से आज 5 लाख के चेक तक का सफर ये मोदी केयर है। लोगों का विश्वास बड़ा होता जा रहा है, लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आकर हमारे साथ अपने समय को शेयर किया आपने। और सर थोड़ा सा मैंने आपको होस्ट बना दिया था तो आप दोबारा वापस मुझे होस्ट बना दे सर तो मैं कुछ लोगों को अनम्यूट करूं। आप मुझे दोबारा होस्ट बना दें सर। कोई परेशानी हो रही है सर? सर परेशानी हो रही है, हो नहीं पा रहा है यहां से। अच्छा नहीं हो पा रहा है तो सर आप एक काम करें मैं स्क्रीन से आउट हो जाता हूं। नहीं नहीं सर आप रहें आप जीएस सिंह गुड्डू जी को सर अनम्यूट कर दीजिए और वो प्रोग्राम का समापन कर देंगे। जीएस सिंह को अनम्यूट कर दीजिए सर। अभी तो दिख नहीं रहे कहीं सर। सर्च ऊपर में सर सर्च का ऑप्शन मिल रहा है आपको पार्टिसिपेंट्स में ऊपर में सर्च का ऑप्शन होगा। हाँ वहां पर सर जी आप टाइप करें जीएस सिंह आ जाएगा। आ गए सर। उनको अनम्यूट कर दे सर। अरुण सर को गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग गुड मोदी केयर मॉर्निंग। अरे सर एकदम से पकड़ के मल्टी विटामिन और जिंसिंग सब कुछ निकाल दिए सर। पूरे सब के सब एक्साइटेड है पूरा एकदम से। बहुत अच्छा सर, रियल स्टोरी तो आप बताते हैं। और मेरी कामयाबी में कहीं ना कहीं आप लोगों का भी हाथ है, हम सबका हाथ है। क्योंकि पटना में अकेले बोखा करता था और कोई मिलते नहीं थे उस समय में, तो एकमात्र शख्स हुआ करते थे सेंटर पे, उनका नाम था मिस्टर अरुण कुमार। तो रियली आपको देख करके पर्सनली मेरे अंदर में शुरू से ही बहुत सारा चीज रहा। और आज के डेट में बेगूसराय टीम जो यहाँ पे हम लोग खड़ा किए हुए हैं
निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कारण है कि पूरे बिहार से जब लोग ट्वीट कर रहे थे और आप एक असम पकड़े हुए थे, मेरी बात हुई थी आपसे 2002 में, तो मैंने कहा था कि सब छोड़ के जा रहे हैं, तो आपने कहा था कि कोई कहीं चला जाए अरुण कुमार इसी एमएससी पे खड़ा रहेगा, वो जमाल रोड में हमारी आपकी बात हुई थी। तो रियली ये पेशेंस, ये धैर्य, ये जोश और ये जज्बा जिस इंसान के पास में है, रियली वो लेजेंड पर्सन है सर। थैंक यू वेरी मच कि आज आपने आकर के अपनी स्टोरी से काफी लोगों को प्रेरणा दिया है और काफी लोग कमिटमेंट ले रहे हैं आज के डेट में, काफी लोग खुश हैं, इसके लिए दिल से मैं धन्यवाद देता हूं सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। फिर मैं कॉल, थैंक यू अरुण सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाँ सर, हाँ सर बोलिए। बहुत ही अच्छा सेशन, और मैं आपका एक वफादार से हूँ क्योंकि जब हम मोदी केयर शुरू किए थे तब से आपको और आपके साथ बहुत बार देश और विदेश यात्रा में रहने का मौका भी मिला, ये हमारे लिए गर्व की बात है जी। और आप हम मोदी केयर में पेरेंट्स के समान हैं हम लोग के, बस जल्दी 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 जीवीडी बनिए, अब यही ख्वाहिश है, जितने पुराने लोग बनते हैं तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है, तो जितना जल्दी जल्दी बने उतना अच्छा लगा जी सर। और बेगूसराय में ठीक है सर, धन्यवाद, मतलब बेगूसराय में कम से कम 25 लोग ऐसे हैं जो 6 महीना के अंदर अपना वो जीबीडी का लेवल जंप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी जी सर, कर लेंगे सर, आपसे मिलेंगे, जीबीडी बनकर ही मिलेंगे। ये सर इसको आगे धन्यवाद सर, चलिए आप लोगों का प्यार है जो हमें भी इस लाइक बनाए रखा और मैं भी आज मोदी केयर में इस लाइक बन पाया, तो मैं इसको क्या करूं अब, या तो होस्ट बना दिया आप, हमसे हो नहीं पा रहा ये। मंजेश सर लगता है सर सुन नहीं पा रहे हैं, तो कॉल कर रहे हैं, ये फिर से आप बंद करके फिर से कर लीजिए, हो नहीं पा रहा है वो। अच्छा ठीक है सर, कोई बात नहीं है सर, आप लेफ्ट हो जाए सर मीटिंग को, हाँ। आप लीव कर लें, हाँ देखता हूँ दोबारा कौन बन पाते हैं, तो फिर उसके बाद कंटिन्यू करूंगा। चलिए आप हमको जो होस्ट बनाए ना, हाँ आपको हमको को होस्ट बनाना चाहिए था सर, को होस्ट का ऑप्शन हमारे सब्सक्रिप्शन में नहीं है, इस वजह से थोड़ी परेशानी थी। एक काम करें सर, आप लैपटॉप में है सर या फिर मोबाइल में है? लैपटॉप में है, लैपटॉप में है सर। मेरा नाम जहां पर है वहां पर जाके सर मोर में क्लिक करें, मोर जहां पर लिखा होगा मेरे नाम के पास में, एक होगा म्यूट और एक होगा मोर, मंजेश के नाम से ही है ना? हाँ कल्पना मंजेश है सर। कल्पना मंजेश, मोर में क्या करूं? मोर में क्लिक करें सर आप, हाँ और नीचे एक ऑप्शन आएगा मेक होस्ट, मेक होस्ट बस आया, बस क्लिक कर दीजिए सर, बन गए होस्ट आप, बस बन गए, हाँ सर बन गए। तो चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, हम सभी लोग तो इसी तरह से नेटवर्क को सीखे हैं सर, खुद से गलतियां करके फिर उसको सही करके हम लोगों ने सीखा एक दूसरे से। तो चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, और आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज अरुण सर को आप लोगों ने सुना है, इनकी बातों को आप हमेशा याद रखिए, काफी बेहतरीन चीजों के साथ इन्होंने अपनी बात को समाप्त किया। सोचिए लेकिन कुछ अच्छा सोचिए, समझ में नहीं आता है तो पूछिए, और पूछने के बाद करिए, हम सभी लोग मिलकर एक दूसरे की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, हम सभी लोग कामयाब हो सकते हैं। तो चलिए कल फिर मिलते हैं 3 बजे में एक नई कहानी के साथ, और आज का प्रोग्राम हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद,
और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोग हमारे इस योजना में हमारा साथ दे रहे हैं, हमें मोटिवेट कर रहे हैं जिससे हम कुछ बेहतर कर पाए। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल जी, प्रोग्राम को समाप्त किया जाए। जी सर जी, और अरुण सर को एक बार फिर से अगेन बहुत बहुत धन्यवाद।